आई डोंट थिंक सो कि इंडिया को इससे कोई खास फर्क पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली अफगानिस्तान को बहुत फर्क पड़ेगा। और ये एक प्रेशर बिल्ड पाकिस्तान करना चाहता है अफगानिस्तान के ऊपर, और मेरे ख्याल में होना चाहिए जिस तरीके से लास्ट कल की भी न्यूज़ है कि उन्होंने एक वीडियो शेयर की है ISPR ने हमारे, कि उनका जो मेन तालिबान का जो 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 कि लीड कर रहा है या वहाँ पर गवर्न कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, वो इन्वॉल्व हैं जो ग्रुप जिसने अभी जिम्मेदारी कबूल की है हालिया दहशतगर्दी के वाकयात में। इंडिया रगड़ा जा रहा है, हम उसकी केयर नहीं करेंगे, हमने अपनी वैल्यूज़ देखनी है पहले कि हमारा हमने अपना जो मफाद है वो देखना है। ये नहीं देखेंगे कि इंडिया को नुकसान हो रहा है, अफगानिस्तान नुकसान, अगर नुकसान पाकिस्तान का ज़्यादा हो रहा है तो हमें उसको बंद करना पड़े तो हम करेंगे। माशाल्लाह बड़ी अहमकों की फ़ौज है कि वो जो है पहले भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कि इंटरनेशनल इदारों ने कहा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड का हमारे पास चांस मौजूद है और गैप मौजूद है, आप वो नहीं खोल रहे। जो आपके पास अच्छा। हो रहा है जिसके अंदर आपको बैठे बिठाए आपको पैसे मिल रहे हैं जो कि आपके अच्छा। लिए एक बहुत अच्छा फ्रूटफुल एक पॉइंट हो सकता है कि हाँ। जिसके ज़रिए आप पाकिस्तान के कर्ज़ों को भी आप उतार दें और दूसरे मामलात भी आपके बेहतर हों, यानी कि आपको एक अर्निंग अच्छी मिल जाए, आप उसे भी रोकने पर तुलें। ऐसा नहीं होता कि इंडिया की आर्मी आती है हमारी चेक पोस्ट पर अटैक कर दें या लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कोई फायरिंग का तबादला चल रहा हो, तो लेकिन करंटली इस सिनेरियो के अंदर अफगानिस्तान की तरफ से ऐसा इशू नज़र आ रहा है। तो जब कभी भी ऐसे इशू नज़र आते हैं फिर इस तरह के प्रेशर बिल्ड किए जाते हैं, आप बॉर्डर के ऊपर भी प्रेशर बिल्ड करते हैं, आप सफारती तौर के ऊपर भी बॉर्डर प्रेशर बिल्ड करते हैं, उनकी ट्रेड बंद करें जब उनके मुल्क में शॉर्टेज क्रिएट होगी। इंडिया क्योंकि बहुत बड़ा सप्लायर है अफगानिस्तान के अंदर इन चीज़ों का, जो गुड्स हैं सर्विसेज एंड गुड, तो अगर जब जो सप्लाई शॉर्टेज पैदा होगी तो फिर उसकी वजह से अफगानिस्तान को कोई ना कोई टेबल के ऊपर बात करनी पड़ेगी बैठ के। आपके जो हालात हैं आपको इस वक्त दुनिया के अंदर जिस तरीके से आपके पासपोर्ट को लीस्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखा जाता है किसी भी मुल्क में जाने के लिए, आपका बिजनेसमैन वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकता कि वो वहाँ ट्रैवल करके जाए अपने अपनी प्रोडक्ट्स को शोकेस करे या 10 चीज़ें करे, ना आप एज अ गवर्नमेंट आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हो। एक मुस्लिम ब्रदर मुझे आके थप्पड़ मार जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान होने के नाते मैं उसको थप्पड़ नहीं मार सकता, मुझे मारना चाहिए। इस्लाम कहता है कि नहीं बदला लाजमी लेना है, इस्लाम ये नहीं कहता कि दूसरा गाल भी आगे कर देना है, तो हम उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव नहीं रखते। बीइंग मुस्लिम हम इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव रखते हैं कि अगर आप में हिम्मत है बदला लेने की तो जरूर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की धमाकेदार वीडियो में आपका वेलकम है, सना अमजद की एक नई वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के ट्रेड के ऊपर पूरी की पूरी वीडियो बनी हुई है, पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की पब्लिक से रिएक्शन लिया जा रहा है कि पाकिस्तान की पब्लिक क्या कह रही है इस टॉपिक पर, छोटी सी वीडियो आपने देख ली है। चलिए टाइम ना वेस्ट करके सीधा मुद्दे पर ही आ जाते हैं और आज की पूरी वीडियो को सीधा लगाते हैं। पाकिस्तान ने वार्न किया है कि इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान जो ट्रेड पाकिस्तान के रास्ते से होती है उस रोड को ब्लॉक कर दिया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, कुछ दिन पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अटैक भी किया, तो लिहाजा इस पर पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया है। पाकिस्तान ने कहा है कि हम जंग नहीं करना चाहते लेकिन हम उस रास्ते को ब्लॉक ज़रूर कर सकते हैं जिसके रास्ते अफगानिस्तान इंडिया से ट्रेड करता है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, पाकिस्तान के अवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के इकदाम से इंडिया और अफगानिस्तान को क्या कोई फर्क पड़ेगा, तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। सर आपका नाम? शुएब यासीन। क्या करते हैं सर? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जबरदस्त सर, आपको पता होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आजकल हालात और ताल्लुकात दोनों को ज़्यादा बेहतर नहीं है। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने वार्न किया है कि इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान जितनी ट्रेड होती है वाया पाकिस्तान जो ट्रेड कॉरिडोर है उसको बंद कर दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ करता है इससे इंडिया को या अफगानिस्तान को कोई फ़र्क पड़ेगा? डेफ़िनेटली अफगानिस्तान के लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा इस चीज़ को हैंडल करना, क्योंकि जो उनका बहुत जो ट्रेड का रूट बनता है वो थ्रू इंडिया पाकिस्तान वाया पाकिस्तान होके जाता है। आई डोंट थिंक सो कि इंडिया को इससे कोई खास फर्क पड़ेगा, लेकिन डेफ़िनेटली अफगानिस्तान को बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ये एक प्रेशर बिल्ड पाकिस्तान करना चाहता है अफगानिस्तान के ऊपर, और मेरे ख्याल में होना चाहिए जिस तरीके से लास्ट कल की भी न्यूज़ है कि उन्होंने एक वीडियो शेयर की है ISPR ने हमारे, कि उनका जो मेन तालिबान का जो 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 कि लीड कर रहा है या वहाँ पे गवर्न कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, वो इन्वॉल्व हैं जो ग्रुप जिसने अभी जिम्मेदारी कबूल की है हालिया दहशतगर्दी के वाकयात में,
उनको कि पाकिस्तान में मजीद चौकियों के ऊपर अटैक करें, तो इस सूरत में जो प्रेशर बिल्ड करना चाहिए पाकिस्तान को वो बॉर्डर के ऊपर भी और इसके अलावा जो सफारती तरीकों से भी, तो मेरे ख्याल में ठीक कर रहा है पाकिस्तान, ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक तरफ देखें ना कि पाकिस्तान के जो आप देख लें वजीर खारजा हैं वो चाह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा से ट्रेड बहाल हो, यानी इसका मतलब है कि हमें इंडिया के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, इंडिया के साथ कोई हमारे मसले मसाइल नहीं, हमें मेन मसला अफगानिस्तान से नहीं, एज सच अफगानिस्तान से मसले नहीं। देखें करंटली हमारे पास जो इंडिया के साथ इशू है वो डायरेक्ट इशू नहीं है, वो कश्मीर का इशू है। ऑल्दो कि हम कहते हैं कि कश्मीर हमारी शारक है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन ऐसा सच हमारा कोई डायरेक्ट क्लैश नज़र नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होता कि इंडिया की आर्मी आती है हमारी चेक पोस्ट पर अटैक कर दें या लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कोई फायरिंग का तबादला चल रहा हो, तो लेकिन करंटली इस सिनेरियो के अंदर अफगानिस्तान की तरफ से ऐसा इशू नज़र आ रहा है। तो जब कभी भी ऐसा इशू नज़र आता है फिर इस तरह के प्रेशर बिल्ड किए जाते हैं, आप बॉर्डर के ऊपर भी प्रेशर बिल्ड करते हैं, आप सफारती तौर के ऊपर भी बॉर्डर प्रेशर बिल्ड करते हैं। सो आई थिंक सो कि पाकिस्तान की जो जो अफेयर्स हैं जो कि खारजा पॉलिसी है उसके अंदर ये प्रेशर बिल्डअप करने का जो तरीकाकार है मैं इससे एग्री करता हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए। अब ये देखें इंडिया के साथ नहीं कर रहा पाकिस्तान, तो मेरा ख्याल उसकी ज़रूरत नहीं है एक तो, मैं दूसरा जो है वो एक ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडिया की जो इकॉनमी है और जो इंडिया से हम लोग ट्रेड करते हैं हम डिपेंडेंट रहते हैं मोस्टली, ऑल्दो के शायद कुछ लोगों को बुरा लगे लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास जो वेजिटेबल्स डेली की आ रही होती हैं वो मोस्टली इंडिया से भी आ रही होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। सो अफगानिस्तान का सिनेरियो हमसे डिफरेंट है, वो पाकिस्तान पर डिपेंडेंट है, तो हमें जो प्रेशर बिल्ड करना है वो हमें करना चाहिए ऐसे। सर आप ये देखें कि अफगानिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, पहले ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, फिर अफगानिस्तान ने की, फिर बीएलए ने की, तो क्या वजह आपको नजर आती है? जैसे हम पहले कहते थे कि अफगानिस्तानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं, अब अफगानी पाकिस्तान के इतने दुश्मन बने बैठे हैं, ईरान पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, बलूचिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर अटैक हो रहे हैं, क्या वजह है? हमने तो यहूदियों से लड़ना था ना, हम मुसलमान आपस में ही लड़ मर रहे हैं। लेकिन इसके लिए ये क्वेश्चन तो उधर से भी पूछा जाना चाहिए कि उन्हें क्या प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान के साथ और हमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए हम लोग अपने विद इन द कंट्री जो जितने भी टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू अवर सिक्योरिटी एजेंसीज वो कहीं ना कहीं से उनके ताने बाने जाके मिलते हैं अफगानिस्तान के साथ, और इवन बहुत सारे लोगों को तो हम लोगों ने इतने अरसे तक जो है वो पाकिस्तान के अंदर पनाह दी है अफगानिस्तान के, उसके बावजूद वो हमें एक ऐसा कंट्री कंसिडर करते हैं, गलत फहमियाँ कह लें या वट एवर जो भी कह लें कि जो हमारी पहली जो सिनेरियो रहा है अफगान और रशिया वॉर के अंदर, फिर उसके बाद अमेरिका जो इन्वॉल्व हुआ तो यही तो मसला है ना, अमेरिका को जो हमने अड्डे दिए हैं यही तो बेसिक हमारा मसला बना है ना, हम जो यूज हुए हैं अमेरिका के हाथों, वहां से तो अफगानिस्तान हमसे बदजन हुए हैं, फिर हमने कहा कि हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा दहशतगर्दी हो रही है, तो जितने भी अफगानी हैं अफगान महाजरीन ने मुल्क बदर किया। जब आप देखें आपकी बात ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हाँ हाँ कुछ गलतियां यहाँ से भी हैं पाकिस्तान से भी, जो एस्टेब्लिशमेंट व्हाटएवर जो भी है जो यहाँ पे बरसरे इक्तदार जमाती थी उनकी तरफ से भी मिसहैंडलिंग हुई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप एक सिविलियंस के ऊपर अटैक करें। अफगानिस्तान से जितने भी अटैक होते हैं सिविलियंस के अगेंस्ट होते हैं। सर अब अफगानिस्तान से ईरान से या फिर हम बीएलए की जानिब से बात करें, ये हमारी आर्मी को टारगेट कर रहे हैं। ईरान वाली इशू को आप अफगानिस्तान के साथ मत जोड़ें, ईरान का जो तनाजुर है जो ईरान का सिनेरियो है वो डिफरेंट सिनेरियो है, ठीक है, उसके ऊपर जो हमारे सफारती तौर पर बात, ये देखें ईरान के बारे में कहा जाता है कि जो वहाँ पे उनकी अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जो इस वक्त जो सुप्रीम उनके लीडर हैं उनकी एक बकायदा एक सेपरेट फोर्स बनी है जिसको वो अपने तौर पे एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उनका जो पाकिस्तान के साथ इशू है वो ये है कि यहाँ से लोग हैं जो कि जाते हैं और अटैक करते हैं ईरान के अंदर और फिर वापस आ जाते हैं पाकिस्तान, वो सेम पाकिस्तान के ऊपर जो एक क्लेम ये करते हैं कि आप लोग कार्रवाई नहीं करते, उनका ये कहना कि हमारे मुल्क के अंदर आके हमारी जो सॉवरेनिटी है उसको अटैक करके अगर वो करेंगे तो फिर डेफिनेटली हमें जवाब देना होगा, जबकि एक रूट ओपन किया हुआ है पाकिस्तान ने कि आप सफारती तौर पे आएँ हमें बताएं कि किन एरियाज़ के अंदर आपने जो है आपको इशू है हम उनको रिजॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ओवर द नाइट उठ के हमारे बॉर्डर को क्रॉस करें और उसके बाद आके हमारे बंदे, फिर तो बिरादराना अगर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बींग है मुस्लिम हमारी है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी बनती है, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इफ दे आर नॉट फुल विलिंग, लाइक एक मुस्लिम ब्रदर मुझे आके थप्पड़ मार जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान होने के नाते मैं उसको थप्पड़ नहीं मार सकता, मुझे मारना चाहिए। इस्लाम कहता है कि नहीं बदला लाजमी लेना है, इस्लाम ये नहीं कहता कि दूसरा गाल भी आगे कर देना है, तो हम उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव नहीं रखते। बींग मुस्लिम हम इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव रखते हैं कि अगर आप में हिम्मत है बदला लेने की तो ज़रूर लें, लेकिन माफ़ करने वाला सबसे बड़ा है। सही बात। अफगानिस्तान का और ईरान का स्लाइटली डिफरेंट
कॉन्सेप्ट है, आप इन दोनों को एक तो मैच ना करें। हाँ, ये ज़रूर होना चाहिए कि बातचीत का रास्ता हमेशा खुला होना चाहिए। आई थिंक सो अफगानिस्तान के मैटर के अंदर हमने बहुत बातचीत की है। अभी ये जो रिसेंटली जितने भी अभी आपको पता होगा कि कुछ तालिबान को इमरान खान गवर्नमेंट के अंदर जो है वो रिलैक्सेशन दी थी और वो लोग पाकिस्तान आए, आई थिंक सो कि ये देखा जाना चाहिए कि कहीं वही तो नहीं इन्वॉल्व हो गए दोबारा से इनके अंदर। तो अगर ये इन्वॉल्व हुए तो फिर आप मुझे ये बताएं बींग मुस्लिम किसने जो है वो अहद की नाफरमानी की है या अहद की खिलाफ वर्जी की है। तो इस तनाजुर में देखते हुए और फिर किसी भी सूरत के अंदर हम लोग ये तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारी चेक पोस्ट के ऊपर अटैक करें या हमारे जवानों फौजी जवानों को शहीद किया जाए और हम चुप कर जाएं सिर्फ इस नाम पे कि जी वो मुसलमान है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। अभी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है ना कि हम अफगानिस्तान के साथ जंग नहीं करना चाहते, लेकिन इंडिया और अफगानिस्तान का जो ट्रेड कॉरिडोर है वो हम जरूर बंद कर दें। ये प्रेशर बिल्ड होता है। आप अभी नहीं, आप पास हिस्ट्री में चले जाएं, आप जब इस्लाम शुरू हुआ था तब भी ऐसा होता था कि आप अपने दुश्मन को कमज़ोर करने के लिए उसके जितने भी ट्रेड रूट्स होते थे आप बंद करते थे। सही। तो ठीक है, हम उसे दुश्मन नहीं मानते, लेकिन अगर आप हमारे मफाद को मद्देनजर नहीं रखेंगे, आप हमारे मफाद के साथ नहीं खड़े होंगे, आप बल्कि आप उसके अगेंस्ट आप जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? हम और कुछ नहीं करते। 1300 किलोमीटर की वसी लाइन है हमारी, बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, ये एक बहुत बड़ा बॉर्डर है और ये कभी भी हम लोगों को सिक्योर नहीं करना पड़ा। लेकिन अब दिल्ली में ये है, अब अलमिया ये है कि हमें वो सिक्योर करना पड़ता है, हमें अपनी आर्मी स्टैंड करनी, हम फिर भी उसको पूरी तरह कवर नहीं कर पाते। ये जब आते हैं बड़ी आसानी से आते हैं अटैक करते हैं फिर वापस चले जाते हैं। हम लोगों ने सारा कुछ करके देखा है। मैं ये भी कहता हूँ कि हमसे ज्यादतियाँ हुई होंगी, मैं ये नहीं कहता कि अफगानियों के साथ हमसे ज्यादतियाँ नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ करें। क्योंकि हम हैं तो अफगानिस्तान भी सेफ है, अफगानिस्तान सेफ है तो हम भी सेफ है, ये एक म्यूचुअल जो है वो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। लेकिन अगर आप उसी म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन को अगर आप सेबोटाइज करेंगे तो फिर इस तरह का रिएक्शन दोनों तरफ से, और मैं इसको गलत नहीं समझता। हाँ, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि ये लास्ट वे होना चाहिए, सबसे बेहतरीन तरीका है बातचीत का है, और कॉरिडोर बंद करना ये बातचीत का ही, उनका मजबूर करना है कि आप बात सुने और जो हम कह रहे हैं उसको एक्ट अपॉन करें, उसकी जो है वो ऊपर एक्शन लें और रिजल्ट्स निकालें। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अरहम। क्या करते हैं आप? मैं बीएस मैनेजमेंट का स्टूडेंट। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, आपको पता होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आजकल मामलात और ताल्लुकात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं जा रहे, जिस तरह दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। अब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने वार्निंग दे दी है कि इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान जो ट्रेड होती है थ्रू पाकिस्तान वो बंद कर देंगे। क्या कहेंगे? ऑलरेडी हमारे मामलात हमसाए ममालिक के साथ, खासकर इस्लामी ममालिक के साथ बेहतर नहीं जा रहे, उस पर इस तरह की स्टेटमेंट किस तरह का इम्पेक्ट डालेंगी? हाँ, मेरे ख्याल में सबसे पहले वो ट्रेड जो उसको बंद करना चाह रहे हैं उसकी वजह तो ये है कि जो अफगानिस्तान है वो सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री नहीं है, वो डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर अपने मामलात जो खाने पीने की अशियाँ हैं, क्योंकि वो आपको पता है इतने डेवलप नहीं है। तो एक तो वजह ये है कि पाकिस्तान अगर उसको इस तरह थ्रेटन करेगा तो वो थोड़ा सा बातचीत के टेबल पे आएंगे और बात, क्योंकि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उसके पाकिस्तान की हुकूमत, जब से तालिबान की हुकूमत आई है वो शुरू से ही उनके मामलात सही नहीं चल रहे। अच्छा। तो वो एक्चुअली वो जो टेररिज्म है उनके बॉर्डर्स के थ्रू पाकिस्तान के अंदर इनिशिएट होता है, तो उसको टेबल पे लाने के लिए डिप्लोमेटिक मूव करने के लिए वो इस तरह करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी अफगानिस्तान वालों ने अपनी आवाम को भी देखना है, खाने पीने की अशिया और इस तरह की चीज़ें, अगर वो इसको स्मूथली चलाना चाहते हैं तो वो टेबल के ऊपर इसको हल करने की कोशिश करेंगे। उसकी ये उसका हल यही है कि जब ट्रेड रूट बंद करेंगे पाकिस्तान और इंडिया का तो उसका प्रेशर अफगान गवर्नमेंट के ऊपर आएगा, क्योंकि लोगों को खाने की चीज़ें जब नहीं मिलेंगे शॉर्टेज क्रिएट होगी, तो उससे फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मामलात हैं वो टेबल पे सॉल्व होने की लेकिन आप देखें बीच में जो है इंडिया भी तो रगड़ा जा रहा है ना। इंडिया जो पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करते हुए, ट्रेड कॉरिडोर इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करता था वो भी तो बंद हो रही है। डेफिनेटली अगर हम देखें तो इंडिया के पास और भी ऑल्टर रास्ते हैं, चाबहार के जरिए वो अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कर सकते हैं, उन्हें थोड़ा दूर पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन ट्रेड हो जाएगी ना। लेकिन एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए, ट्रेड दोबारा से बहाल होनी चाहिए, दूसरी तरफ हम अफगानिस्तान और इंडिया की ट्रेड का रूट भी बंद कर रहे हैं। ऐसे नहीं है, एक्चुअली मसला ये है कि देखें आप पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारी वैल्यूज़ क्या हैं। सही बात है। इंडिया रगड़ा जा रहा है हम उसकी केयर नहीं करेंगे। अच्छा। हमने अपनी वैल्यूज़ देखनी है पहले कि हमारा हमने अपना जो मफाद है वो देखना है, ये नहीं देखेंगे कि इंडिया को नुकसान हो रहा है, अफगानिस्तान नुकसान, अगर नुकसान पाकिस्तान का ज़्यादा हो रहा है तो हमें उसको बंद करना पड़े तो हम करेंगे, कोई वो नहीं है। और जो आप कह रही हैं पाकिस्तान और इंडिया का ट्रेड होना चाहिए आपस में, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। पहले हमारी कोई वैल्यूज़ और आइडेंटिटी है जिसके ऊपर मुल्क बना था। अच्छा। वो कश्मीर और इसराइल का मसला, जिस तरह फलस्तीन वाला मामला, इसराइल को हम तब तस्लीम करेंगे फलस्तीन को हकूक देगा, फलस्तीनियों को हकूक देगा, और कश्मीरियों को जब तक हकूक नहीं मिलता तब तक हम इंडिया के साथ वो नहीं मामला उसके सही हो सकते।
इमरान खान साहब ने भी इसी मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए इंडिया के साथ जो है ट्रेड बंद कर दी थी, लेकिन अब जो नई हुकूमत आई है, वजीर जो हमारे खारजा हैं इस हाकदार, उन्होंने कहा कि हमारी ताजर बरादरी चाह रही है कि इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए। मैं यही बात कर रही हूँ कि एक तरफ हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ हम इंडिया और अफगानिस्तान की ट्रेड को बंद भी करना चाह रहे हैं। तो ताजर बरादरी अगर ये चार रेट के ट्रेड हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत सारी चीज़ों को मतलब पीछे बैकफुट पे करके बैक मतलब साइड करके ट्रेड शुरू कर दे। उसका मतलब ये है कि डिप्लोमेट ऐसा काम करें कि मामला टेबल के ऊपर सॉल्व हो, कश्मीर इशू उसको सॉल्व होना चाहिए, ये नहीं कि कश्मीर को आप साइड पे लगा दें और उसके बाद कहें चलें वो हो गया वो। अभी तो कश्मीर से भी बड़ा मसला हमारा चल रहा है अफगानिस्तान के साथ, उसके साथ साथ आप ईरान देख लें, आप बलूचिस्तान देख लें, पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के ऊपर एक के बाद एक कितने अटैक हुए हैं। पहले आप देखें ईरान ने एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर की, फिर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान आर्मी पर अटैक कर दिया, फिर BLA ने अटैक कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान एक बार फिर से हमलों की जद में है, पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी की फिजा कायम हो रही है, और ये तमाम के तमाम इस्लामी ममालिक हैं। हम तो कहते थे कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, हमारे तो इस्लामी ममालिक हमारे इस्लामिक भाई ही हमारे दुश्मन निकले हैं। लेकिन बात सिर्फ आप ये देखना पड़ेगा कि पहले हमारे जो मेन मसले थे वो इंडियन बॉर्डर के ऊपर थे। कोई ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमें अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर के ऊपर एंगेज किया जा रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। अब ये काम जो है मेन डिप्लोमेट्स का देखने का होता है कि वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का हल वॉर नहीं होती, किसी भी चीज़ का हल वॉर नहीं, आपने मामला बोल के बैठ के समझ के करने होते हैं, क्योंकि आप अपने जो लोगों के उनके मफाद देखते हैं, ठीक है। तो इस उसका हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप बातचीत के जरिए जो भी मामला हैं उसको तय करें, और सबसे पहले अगर इंडिया के साथ आप ट्रेड करने की बात करते हैं तो आपको कश्मीर इशू सॉल्व करना पड़ेगा, वरना आप फिर अपनी आवाम को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आज की वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ऐसे पाकिस्तानियों को कश्मीर चाहिए, कश्मीर तो कभी मिलने वाला है नहीं इनको, क्योंकि इनका अधूरा सपना जो है वो हमेशा अधूरा ही रह जाएगा। दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। क्या आपको भी लगता है कि तिजारत का सिलसिला यानी ट्रेड का सिलसिला जो है वो फिर से बहाल किया जा सकता है इंडिया गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ? अगर ऐसा हो जाएगा तो वाकई में क्या अच्छी बात होगी या फिर कुछ और मामला बन सकता है? अपनी राय रखते हुए ज़रूर जाएं, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रिएक्शन वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए।